हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी और लाजवाब, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, अमृतसरी चिकन करी। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसी चिकन करी को आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप इस अमृतसरी चिकन को गर्मा गर्म नान, रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये 1 kg चिकन है जिसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह चॉप करके ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें नमक भी ऐड करेंगे, 1 नींबू का रस, 4 टेबल स्पून मिल्टेड बटर ऐड करके चिकन को सारे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन में। चिकन की जो लेग पीस थी यहाँ पर इस तरह से इसमें कट लगा ले जिससे कि मसाले आसानी से अंदर तक पहुँच जाएं। चिकन में मसाला लगाकर 20 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रखेंगे। 20 मिनट बाद चिकन को फ्राई होने के लिए गैस पे रख दिया। इस पे 1/2 कप तेल ऐड कर देंगे और तेल ऐड करके चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट पकने देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चिकन को हाई फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पर चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। चिकन को तेल में फ्राई होते हुए 15 मिनट हो चुका है। ये देखिए 15 मिनट में चिकन यहाँ पर 50% पक चुका है और काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ इसकी हम ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए एक दूसरी कढ़ाई लेंगे। इस कढ़ाई में 5 टेबल स्पून तेल को गर्म करेंगे। तेल गर्म होते इसमें 8 से 10 घिसी हुई लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा भी घिसकर इसमें ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन को अच्छे से चलाएंगे। साथ ही साथ इसमें कटी हुई 4 हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ऐड करके इसको भी अच्छे से चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देते हैं। ये 1/2 टीस्पून से कम जावित्री और जायफल का पाउडर है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे इसकी बिल्कुल ना करें। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। पानी ऐड करके इसको भी मिक्स करेंगे और 1 प्याज का पेस्ट बनाकर इस तरह इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मसालों में मिलाएंगे और मसालों में तेल छूटने तक पका लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मसालों में अच्छे से तेल आ गया है, तो इसे हम दोबारा चला देंगे। छोटे टुकड़ों में कट किए हुए 3 टमाटर भी ऐड करेंगे और टमाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिलाएंगे। मसाले में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक पहले भी हमने चिकन में ऐड किया था, तो आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर दें। अब यहाँ पर मसालों में तेल छूटने तक पकाएंगे। ये देखिए मसाले काफ़ी अच्छे से तेल में भूनकर तैयार हो चुके। अब इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम ये फिटा हुआ दही है। दही को भी मसालों में अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तेल छूटने तक मसालों में पकाएंगे। इसके बाद फ्राई किया हुआ सारा चिकन मसाले में ऐड कर देंगे और मसाले और चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन और मसालों को मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट पकने देंगे। चिकन और मसालों को 2 मिनट ग्रेवी में अच्छे से पका लिया है। दोबारा इसे हम चला देते हैं। अब इसकी हम ग्रेवी बना लेंगे। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर 200 ml पानी लिया हुआ है। ग्रेवी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी ऐड करके चिकन को दोबारा चलाएंगे। आप कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट चिकन को पकाएंगे। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून क्रीम। क्रीम ऐड करके कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी ऐड करेंगे। क्रीम और धनिया को चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट पकने देंगे। चिकन को क्रीम के साथ 2 मिनट पका लिया। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस यहाँ पर अमृतसरी चिकन करी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, नान, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ ही आपको अमृतसरी चिकन करी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप भी इसे एक बार जरूर बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।